मैं वादा करती हूँ कि मैं दानिश भाई को भी इतना ही रुलाऊंगी जितना उन्होंने मुझे रुलाया है। तो आप देख सकते हैं पूरा केक लेकर बैठी हुई है। सीना आपको लड़की लगती है या लड़का? अरे बाप रे बाप, ये हमको सेक्सी लगती है। छी हेलो सब नेक्स्ट खान दोस्तों, आज ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो उसके पीछे का रीजन क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी अपने ऑफिस में हूं, मतलब ऑफिस गया यार, रूम ही है मेरा, यहाँ पे एडिट वगैरह का अभी काम हो रहा है। और आज 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, मतलब कि क्यों स्पेशल है? स्पेशल इसलिए कि अर्शी जो मेरी बहन है उसका जन्मदिन है, जो घर से लड़की आई थी ना 15 साल भाग के, तो वो वाला आज उसका जन्मदिन है। और भाई हम लोग उसको सरप्राइज देने का सोचे, लिटरली मैं सच बताऊँ मैं उसे विश तक नहीं किया हूँ और वो बात ही नहीं कर रही है भाई मेरे से। हम लोग का प्लान था कि उसे एक सरप्राइज करना है, सरप्राइज देना है। और रत्ती उसको 12 बजे के आसपास रात में फ़ोन की थी और बोली कि स्नेहा ऐसा ऐसा हैप्पी बर्थडे, और दानिश और मासूम जो है वो दिल्ली के लिए निकल गया। हम लोग प्लान बनाया था कि कुछ टीम, उसको जैसे अर्शी को भी पता था कि हम लोग दिल्ली जाने वाले पूरे टीम के साथ, बट रत्ती बोली कि हम लोग नहीं गए हैं, दानिश और मासूम ही बस निकल गया है, हम लोग बाद में कभी जाएंगे। जब से उसको पता चला है कि हम लोग दिल्ली के लिए निकले हैं भाई, मतलब एक मैसेज का सीन तक वो व्हाट्सएप पर नहीं की है। दूसरा चीज़ है कि मतलब फ़ोन मेरा ब्लॉक कर दी है अभी, जस्ट आज के डेट में अगर आप देख रहे हो 3 दिसंबर के डेट में, तो आप मेरे तुक्का पे जाके देख लीजिए, उस पर मैंने कम्युनिटी भी डाला है कि भाई वो मुझसे बहुत नाराज़ है, गुस्सा है। और आज हम लोग पूरा अपने थोड़ा सा सरप्राइज़ का कुछ प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर कौन कौन सा बैठे हुए यहाँ पर, जैसे कि आप देख लीजिए, ये साहिल, ए सर हाय तो कर दीजिए, इनका भी कुछ आने वाला है ब्लॉग का चैनल वगैरह। और ये कर दिए अमन भाई, लीक क्या कर दिए, आएगा ना सरप्राइज, प्रमोट हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आप पूछेंगे नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम अभी अपना एक फेवरेट ब्लॉगर का ब्लॉग देख रहे हैं। हे भाई ये मेरा ही देखते होंगे। और ये अमन भाई है, बहुत अच्छे भाई है, इंसान है, तो भाई इनका। और ये मेरे चंदन भाई, एबीसी प्रैंक। हाय गाइस, 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ, आप लोग भी इसकी है इसका नहीं किया ना? तो कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अरे तो ठीक है ना, तुम मेरे से प्यार नहीं करती है, अरे तो वो नहीं तो क्या हुआ, इसको हम उससे जिंदगी भर कभी नहीं बात करेंगे, पक्का 10 मिनट के लिए मिलने आते, बस 10 मिनट, उसके बाद हमें तुमसे फिर हमें तुमसे जैसे तुम बोलो वैसे करेंगे। ठीक है बच्चा, प्लीज ना आज प्लीज रिक्वेस्ट करो, बस 10 मिनट, उसके बाद तुमको 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो दानिश ने भेजे उसको बाहर में, वो गया तो हम क्या करें। अरे बाबू बात तो सुन, 10 मिनट प्लीज, 8 बजे नहीं होता है भाई, लेट होता है ना, उससे पहले ट्राई कर। कितने बजे? अभी रत्ती बात कर रही है अर्शी से, और रो रो के तरह उसका आवाज नहीं निकल रहा है मुझसे, तुम्हारा जान मारे बेटा, वो ऐसे कुटी कुटी करके फेंक देगी, बोल रही है दानिश भैया बहुत गंदे हैं, एक तो उनको भी इस तक भी ढंग से नहीं की, स्टेटस लगा दी पराए की तरह, उनको कॉल तक नहीं किए हैं, वो तू गया बेटा तू गया। ए भाई मेरा कॉल ब्लॉक की हुई है, कैसे हम कॉल करें? अपना तो पता हो जब व्हाट्सएप पे मैसेज किए ना, तो मतलब सीन तक नहीं की, डबल टिक हो गया, ऑनलाइन दिख रहा है मगर सीन तक नहीं की। ठीक है तुम जानो, हमको नहीं पता है। हम क्या जाने, हमारे ये इंसान सब कांड करवाया है, ये अकेले कजी कजी खा रहा है क्या? बजे आएगी? 7 बजे के आसपास। इसको इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और ये अभी तक मैंने भी गाइस विश नहीं किया स्नेहा को, हाँ ये भी इंसान नहीं किया, हाँ किया तो क्या आपको मिलता है कितना केक का ऑर्डर हम लोग लगभग कितना दिन पहले किया, देखिए 4 दिन पहले हम लोग का केक का ऑर्डर दिए थे, और उसके साथ ही केक कितने बजे तक आएगा, केक कितने बजे तक आएगा? जा रहे हैं ठीक है, तुम जाओ केक लेके आ,
केक आएगा, उसके बाद वो कितने बजे तक आएगी? 7 बजे तक आएगी। उसको आ जाएगी ना कल? आ रही है, उसका रिएक्शन देखना है क्या करती है वो देखना है। और मेरा ब्लॉग अगर अटपटा लग रहा है तो सॉरी, क्योंकि क्योंकि आदत नहीं है ना ब्लॉग करने का। तो मिलते हैं अभी इसके बाद। तो फाइनली दोस्तों, तो केक आ चुका है और सारा चीज लगभग लगभग मोड़ा होकर तैयार हो चुका है और फुल्ली सरप्राइज का प्लान है। कौन है यार? अच्छा, तो फुल्ली सरप्राइज का प्लान है और ये आज मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सतीज भाई मेरे साथ है। और ये यहाँ पे केक दिखा दो, इधर 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 ये फोटो आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे भी, और आज के डेट में मैंने कम्युनिटी डाला था वो भी आप देखेंगे ये फोटो। तो 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 ये दिखा दे पूरा पूरा ऐसे दिखा दो तो पूरा ऊपर से वो तो ना बन बो सिंह स्नो मोटा ग्राफर जो भी है बर्थडे लिखा था। सो गाइस, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ बर्थडे का सारा हो चुका है और यहाँ पे हमारे बस रिएक्शन चेक करना है यार, उसका रिएक्शन हाँ, क्या है क्या? और जब वो आएगी अभी 6 के आसपास हो रहा है, 6 बज रहा है ना शायद, अभी 7 बजे के आसपास वो आने वाली है। रति क्या बजे तक आएगी? 5:44 हो रहा है, आधे घंटे में ना। लाने कौन जाएगा? कौन लाने जाएगा? लाने को खुद आएगी। खुद आएगी? खुद कैसे आ जाएगी? खुद कैसे? तो मे भी वो 6:30 तक आएगी बस भाई। तुम उस टाइम कौन कौन रहेगा यहाँ? तू ना बस इसको पकड़ के रखना, इसका रिएक्शन पूरा का पूरा नोट करना है, ठीक है? ठीक है। ये बता है कि रूम पे कोई नहीं, बस हम अकेले हैं। ओह माय गॉड। आप प्राणियों से निवेदन है कि अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो आप लोग को हम थाम में बदल देंगे। मतलब तुम गए जैसे साहिल था, अरे था 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 था। तो कृपया आप लोग से यही निवेदन है, मगर एक चीज बताया था बहुत बढ़िया चीज, सही बात था, बहुत बढ़िया वर्ड था ना भाई, उसको लोग याद तो करेगा। ये जो भी बनाया है ना उसके लिए मतलब थैंक यू। कौन बनाया है? मेरा भी सहयोग था। क्या हाथ कुछ नहीं किया है खाली जैसे फिर शाहिल अमर सब हम नहीं हम नहीं। चंदन और चंदन भी बनाया, चंदन ये बैलून सब सजाया है, बैलून लगाया है। दीदी जो है ना ये वाले लड़की यही लड़की बनाई जो दीदी है, सबकी दीदी है। थोड़ा सा बोल देते हैं दोस्तों को, फाइनली अभी वो आने वाला है। दूसरा लोग यहाँ बन गए, दूसरा चैनल पे आने वाले हैं। इतना मेकअप करके गया है ये, क्योंकि गए थे बर्थडे आपके सिर्फ हम आपने मान नहीं रहा फोन जरा चेक कर। ओ मेरे बच्चा, अरे खाई, अरे ओ इतने, ओ हम आपने मान नहीं रहे यार।
वही तो सोचे इतनी लंबी कैसे हो गई, नीचे तक हील नहीं है। वही तो बोले इतनी लंबी कैसे हो गई। सुने ना बताओ और ए, सबसे बढ़िया से हेलो टू माय कैमरा, इट्स अ प्रैंक। आपके साथ प्रैंक हुआ सुनने में बहुत तुम फोन दिखाए तुमको मेरा फोन खुला आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि ये लोग बहुत खराब है और हम ये कहना चाहते हैं ये लोगों को रात में रुलाए, कोई अपने बर्थडे में अपनी बहन को रुलाता है? खराब भाई है मेरा। फिर भी आपको इतना अच्छा सरप्राइज मिला था, आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? भाग गए कुछ नहीं बोलेंगी, वो सब हो चुकी हैं, उनके पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। आइए हम चलते हैं उनके पास। ये या देखिए रति जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं कि हम बहुत एकदम ऐसे हो गए थे कि ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, हमको यकीन ही नहीं हो रहा था, फिर अभी यकीन हो गया है, दादी जाने गए और अब आप खुश हैं। तो आप उनके साथ लड़ना चाहेंगे? बहुत लड़े हैं, बहुत लड़ना बाकी। चलिए आपको लड़ना था, आप चलिए आपका लड़ाई करा, आप दोनों फाइट होने वाला है। एक बार तो आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम मोमो खाने वाले हैं।
कैसे कैसा लगा मोमो खा के? मोमो दी, स्नेहा जी आपको खा चुके, आप बताइए आपको कुछ लगा? लगा ये कि एक चीज का तो हमको लग रहा था कि इनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है तो हम इनका काम के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, बट ये भी लगा था कि दो दिन के पहले बता देते तो हम कुछ नहीं बोलते, बट अभी जो किया है तो हमको पिछले दिन और भी ज्यादा अच्छे लगे। तो आप वो आपके पीछे आपके आपके पीछे आपके पीछे कुछ हुआ है? अभी वैसलीन डाला गया। ले लेते हैं खाएंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा केक लेके बैठी हुई है। तो देखिए गिफ्ट के लड़ रही है। दानिश पैसे नहीं बने फास्ट करके उसका करिए, उससे उससे क्वालिटी गिर जाता है। हाँ साहिल भाई एक मेरा है, साहिल भाई एक मेरा है। स्नेहा दी हम यहाँ ले रहे ना, तुम रील्स के लिए कहाँ ले रहा? आप रील्स के लिए लीजिए। बताओ भोजपुरी को गाना, बताओ भोजपुरी गाना।
से आप डांस कीजिए। Yo. सरप्राइज कैसा लगा आपको? सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, बहुत शौक थे हम। इतना फॉर्मली क्यों बोल रही हो? इंटरव्यू नहीं है। मेरा तो मैं वादा करती हूँ कि मैं दानिश भाई को इतना ही रुलाऊंगी जितना उन्होंने मुझे रुलाया है। तो अर्शी आपसे एक सवाल था। क्या आप इतनी मोटी क्यों हैं? क्योंकि मैं बहुत मोमो खाती हूँ, मेरा मोमो है। और आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन भाई है? दानिश भैया, अमन भैया? हम बताते, इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास है। हम प्यारे हैं। ये दानिश भैया, अमन भैया इसमें, ठीक है। अब ये हाथ काटेंगे, ये हाथ काटेंगे तो दर्द तो सेम ही ना होगा जी। नहीं, लेकिन सुनो ना, इतना हम तुमको मतलब लेंदी हमको नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, थेथिस नहीं चाहिए। हम एक मिनट, हमको प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। ए ब्रो, अरे हे ब्रो, यू आल्सो कम ब्रो, करते रहो। हां ब्रो, नहीं ब्रो, आप एक मेरा बात सुनो आप लोग, ठीक है? अच्छा, दानिश भाई और अमन भाई, तुम्हारा क्रश कौन है? हां, मेरा क्रश एक था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड हो गई तो दुख हो गया हमको। अच्छा, यस। मासूम बोल रहा था ना कि स्नेहा बहुत गंदी है। मासूम बोल ही नहीं सकता ऐसा। क्यों? रैपिड फायर सुनो, 10 क्वेश्चन वाला रैपिड फायर क्वेश्चन बोलिए अमन भैया। अरे जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मिस्टर एंड मिस स्टार्स पटना के डायरेक्टर के, तुम डायरेक्टर मानती हो हमको? भैया है मेरा। दूसरा क्वेश्चन दानिश भैया की तरफ से। दानिश भैया, जल्दी जल्दी, एक बार में कितना मोमो खा सकती हो? बहुत सारा, 50। बहुत सारा, 50 जी हाँ। तीसरा क्वेश्चन मासूम की तरफ से, जल्दी। अच्छा, आज जहाँ जहाँ पार्टी की, सबसे अच्छा पार्टी कहाँ का था? वाह, बढ़िया, बोल जल्दी। आप बोलो। हैंग ऑफ। मेरे घर पे। चौथा क्वेश्चन रति सिन्हा की तरफ से, जो कैमरा में नहीं आ रही है, बोलिए जल्दी। जल्दी पता नहीं, बोलिए ना जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? अरे हम बचपन से ही हैं। अरे एक क्वेश्चन आपके तरफ से भी, कली नहीं देंगे। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से। रति सिन्हा आपको लड़की लगती है या लड़का? अरे बाप रे बाप, ये हमको सेक्सी लगती है। छी, बहुत ही गंदा आंसर था इसका, डिप्लोमेटिक आंसर। भाई लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तुम मेरे बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम बहुत अच्छी। मैं सेटिंग कब करवा रही हो? तुमको कोई पसंद ही नहीं करेगा। कट करो, बंद करो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। लड़की का बर्थडे है, इसको बर्थडे बॉम्ब लाइक करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें।